नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं आपका दोस्त भारत जांगिड आज आपके लिए लेकर आया हूँ ओरपैट हैंड ब्लेंडर का वीडियो। दोस्तों इसमें आपको दोस्तों कंप्लीट नॉलेज मिलेगी किस टाइप से हमें हैंड ब्लेंडर खोलना है और किस टाइप से हमें इसे चेक करना है और क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। दोस्तों देखिए, हमने हैंड ब्लेंडर को कंप्लीट खोल लिया है और उसके बाद में देखिए सीरीज जो टेस्टिंग बोर्ड है उसके अंदर हमने हैंड ब्लेंडर का प्लग लगाया हुआ है और जो इसका पावर बटन है हमारा उसे हम पुश कर रहे हैं। बाकी हमारा जो सीरीज टेस्टिंग बल्ब है बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है, तो यानी कि इसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं आ रही। तो दोस्तों हम इसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट चेक करके आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो कंप्लीट देखें, पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस टाइप का जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चेक करने के लिए फर्स्ट में हमने जो हमारा टेस्टिंग लीड है उसको हमने बोर्ड के अंदर लगा दिया है और अब स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना है। फर्स्ट में हम देखेंगे ये हमारी जो हैंड ब्लेंडर की मोटर है, हमने इसे बाहर निकाल लिया है दोस्तों, और इसका ख़राब होने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और इसे चेक किस टाइप से करना है, आपको कहां कहां से इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो दोस्तों फर्स्ट में हम कार्बन बुश जो इसके लगे हुए हैं उस पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। कार्बन बुश के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी कंप्लीट आ रही है, यानी कार्बन बुश हमारे ठीक है, कनेक्ट है आर्मेचर से। उसके बाद में दोस्तों देखिए इसकी जो न्यूट्रल वायर की जो ज्वाइंट है उसे हमने कट करके ओपन कर लिया है और इसके वायर को छील लिया है, मोटर के वायर को। और अब इसे हम चेक करेंगे स्विच को एक बार, स्विच की कंटिन्यूटी। दोस्तों देखिए स्विच को जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं स्विच भी हमारा एकदम ओके है। तो दोस्तों इसके बाद में हम जो इसकी देखिए मोटर की डायरेक्ट कंटिन्यूटी है रेड और ब्लैक वायर के ऊपर, मोटर में से ही कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है, तो चेक करेंगे उसके। उससे पहले दोस्तों ये देखिए एक बार हम जो इसकी मेन लीड है हमारे हैंड ब्लेंडर की उसे चेक करेंगे। रेड वायर इसका कंटिन्यू आ रहा है और ये ब्लैक भी कंटिन्यू आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेन लीड भी इसकी प्रॉपर ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है कि मोटर में से कंटिन्यूटी कहाँ से नहीं आ रही है, इसके लिए आप ध्यान से देखें किस टाइप से आपको चेक करना है। तो दोस्तों कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लेफ्ट या राइट कोई भी मोटर का एक कार्बन बुश निकालना होगा, उसके बाद ही आपको कंफर्म होगा कि किस साइड से मोटर में से कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो दोस्तों देखिए कार्बन बुश को हमने निकाल दिया है, उसके बाद में हम चेक करेंगे जो हमारा फील्ड कॉइल है, ये देखिए रेड और ब्लैक वायर एक इसके ऊपर है, इसके इस साइड पे इसमें कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं आ रही है। नीचे वाली जो फील्ड है इसके अंदर देखिए दोस्तों कंटिन्यूटी आ रही है, बल्ब की रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों देखिए जूम मैंने इसलिए किया है ताकि आपको प्रॉपर वायर दिख सके इसके, कौन सा वायर किस टाइप से हमें चेक करना है। तो दोस्तों देखिए नीचे वाली जो फील्ड है उसकी कंटिन्यूटी आ रही है और जो ऊपर वाली है हमारी इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो यानी कि हमारी एक साइड की जो फील्ड है उसी में कोई डैमेज है। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं एक बार, डैमेज यदि मिल जाता है तो उसे हम ठीक करेंगे। तो दोस्तों देखिए मोटर के अंदर बिल्कुल जो इसका लिक्विड है जो हम यूज करते हैं छाछ दही वगैरह में, तो इसको ज़्यादा डुबोने की वजह से इसके अंदर लिक्विड पहुँच चुका है, टाइम पर इसको सर्विस नहीं कराया है तो उसकी वजह से। तो दोस्तों देखिए जो फील्ड के ऊपर वायर है हमारे रेड और ब्लैक, एक मेन सप्लाई का है और एक हमारा कार्बन बुश का, तो दोस्तों इन्हें काफ़ी सावधानी से आपको खोलना होगा क्योंकि बहुत ही नाजुक और पतले वायर होते हैं। और दोस्तों सबसे बेकार बात तो ये होती है कि जो इसकी फील्ड कॉइल है वो एल्युमिनियम वाइंडिंग होती है और पैट के अंदर। तो दोस्तों देखिए वायर हमने अलग कर लिए, इनको हल्का सा छील लेंगे, ये देखिए बिल्कुल वाइट एल्युमिनियम है, छीलकर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि इसके ज्वाइंट ही सल्फेशन आकर ख़राब हो जाते हैं, तो दोस्तों हम चेक करेंगे एक बार डायरेक्ट फील्ड की जो कॉइल है उस पर कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो दोस्तों कंटिन्यूटी अंदर से ही नहीं आ रही है इस फील्ड में, फील्ड के अंदर से ही कंटिन्यूटी नहीं आ रही है बिल्कुल। तो दोस्तों लिक्विड जाने की वजह से ये कहीं से डैमेज हो चुकी है अंदर से, तो इस मोटर को हम यदि रिपेयर करेंगे तो इसके लिए हमें फील्ड कॉइल वाइंड करके दोबारा से डालना होगा। और दोस्तों ऐसा यदि फील्ड कॉइल आप वाइंड करें तो दोनों ही फील्ड कॉइल वाइंड कर दें इसकी, ताकि बिल्कुल आर्मेचर इसका ओके है।
तो मोटर आपकी बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो दोस्तों इतना यदि पैसा आप इसमें खर्च करेंगे, टाइम खर्च करेंगे, इससे बढ़िया है आप इस हैंड ब्लेंडर को ही नया ले लें, क्योंकि 700-800 रुपये की रेंज में आपको मार्केट में अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, 40 इंच इंटेक्स LED का है दोस्तों। उसको हम जो डेड LED है उसका कार्ड किस टाइप से हमें सप्लाई ओके करके चालू करना है, 5 तार का जो सप्लाई मॉड्यूल इसके अंदर लगाया है, इंस्टॉल किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।